यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एग्जिट पोल के बाद विपक्ष पर निशाना साधा और उन्हें कहा कि हार सामने देखकर विपक्ष हताश हो चुका है और ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष को 23 मई के नतीजे पहले ही पता चल चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद तमाम विपक्षी दल एक साथ लामबंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए आज चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठेंगे। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से ये बात निकल के आ रही है कि अब जो विपक्षी खेमा है वो ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर चुका है, आप अच्छी तरह जानते हैं जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो ईवीएम उनको अच्छी लगती है। अब उनको एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए वो ऐसी बातों को उठा रहे हैं जो बेबुनियाद है। और जिस ढंग से उन्होंने चुनाव नतीजों आने से पहले एग्जिट पोल आने के पहले तैयारी शुरू कर दी थी, हताशा स्वाभाविक है और पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी ने आज एक ऑडियो जारी किया जिसमें यह कहा है कि जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो निराश ना हो, बहुत मेहनत की है, उसका नतीजा 23 मई को देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो गलत हैं और उससे जो है हताश ना हो। अपने लोगों को दो दिन और समझाने के लिए ये ऑडियो आया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उनकी नीतियों में भरोसा रखते हैं। विपक्ष ने कितने हथकंडे अपनाए, गिरकर के बात की, प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा, हमारे नेताओं पर किस किस तरह के अनर्गल बयान नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्वास के साथ जनता के बीच में गए और जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया और आप देखेंगे परिणाम बहुत ही सुखद आने वाले हैं। अखिलेश यादव मायावती से मुलाकात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू लखनऊ आते हैं, ममता बनर्जी से फोन पर अखिलेश यादव की बात होती है, विपक्ष एक साथ लामबंद होते हुए दिखाई पड़ रहा है। दरअसल उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस ढंग से पूरे देश के नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने जनता से नकारे जाने के बाद इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रलाप किया, इकट्ठा हुए, लेकिन जनता ने बुरी तरह से उन्हें नकार दिया। उनके पास ना कोई नीति थी, ना कोई विचार थी, ना ही कोई ऐसे प्रोग्राम थे जिन पर जनता भरोसा कर सकती, और एकदम बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं वो लोग। कह सकते हैं कि आज चंद्रबाबू नायडू ईवीएम को लेकर धरने बैठ रहे हैं, उससे पहले यूपी कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक कहना है कि जनता ने मोदी के काम को समझा और यही वजह है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से वो उत्साहित भी हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि अब विपक्ष का कोई विकल्प नहीं बचा, इसीलिए ईवीएम को अब वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से गड़बड़ी हुई है और इसी को लेकर वो एक साथ एकजुट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन जयप्रकाश साथ विशाल लघुवंशी, दी मीडिया, लखनऊ।